गाइस कैसे हो? सभी उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बिल्कुल बढ़िया। गाइस मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है यार मास्क लगा के, बट ज़रूरी तो है क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है, लॉकडाउन भी लगने वाला है, कई जगह लग भी चुका है। मैं जा रहा हूँ गाइस अभी लक्ष्य के घर पे, क्योंकि वहाँ से लेना है मेरे को हेलमेट, क्योंकि यार मैं आता जाता रहता हूँ, जैसे इधर उधर ट्रैवल करता हूँ तो सेफ्टी ज़रूरी है भाई। मैं उधर से आया ऐसे पूरा घूम के। ये है गाइस हमारे यहाँ का दोराला का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे टिकट वगैरह मिल जाते हैं, इधर से टिकट मिल जाएंगे जाके इधर पूछताछ केंद्र। चलते रहते हैं अभी लक्ष्य के घर पे, आज वॉक हो जाएगी बढ़िया, काफ़ी लंबी चौड़ी। गाइस जो लोग दोराला में रहते हैं उन्हें पता होगा यहाँ का अच्छे से कि भाई मास्क लगाना हम लोगों के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का दोराला का शुगर मिल है उससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है यार। और अभी भी देखो मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, और इधर देखो इधर इतना धुआं परमानेंट है, इतना धुआं तो निकलता ही रहेगा। ये तो गाइस ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है हमें भाई दोराला के, अगर जो जो लोग हैं वो जानते होंगे अच्छे तरीके से कि भाई कितना पोल्यूशन हो जाता है यहाँ पे कितना नहीं। देखो गाइस अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें कि कौन है ये लोग, देखो अभी भी लोग बाग सुधर नहीं रहे हैं। देखना ये अंकल साइकिल ही कुदा रहे हैं, ये आंटी ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ये भैया इधर से जा रहे हैं। यार ये सब चीज़ें तो गलत है ना यार। यार सरकार ने वो पुल क्यों बनवा रखा है, ये ऐसे करके आओ ऐसे करके आ जाओ। यार गवर्नमेंट पागल है क्या? गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही तो कर रही है सब कुछ, अब तुम लोग उन्हीं का पालन नहीं कर रहे हो, इधर से क्रॉस कर रहे हो। अब मैंने तो सब कुछ ऐसा छोड़ दिया क्योंकि मैं पहले आता था, बट अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया ये सब, अब मैं उधर से ही आया करूँगा, क्योंकि यार अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है भाई। मास्क लगा लोगे तो कोरोना से बच जाओगे, सबके रूल्स का पालन कर लोगे तो अपनी जान बचा लोगे। देखना अभी भी देखना ये अलग ही लेवल लक्ष्य गया हुआ है अभी बाहर, और लो ये आ गया धूम मचा ले। ए हे हो गया राज में, क्या हो गया है भाई? फाइनली हेलमेट मैंने ले लिया है, ये रहा हेलमेट, और अब थोड़ा सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा हो रखा है, कभी जिम भी आना जाना। जिम तो खैर हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैदल चलने की आदत डालनी है यार थोड़ा सा फिट। वैसे तो मैं कर रहा हूँ जिम और वैसे जा रहा हूँ बाइक पे, तो अभी कट चुका है मेरा पोपट, मैं इतने टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि एंट्री कहाँ से है यहाँ की। ये है ये बंद कर रखा है, ये जो हमारे यहाँ का दोराला का शिव मंदिर है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा जाऊँ कहाँ से, मेरा कट रहा है भाई, मैं देखता हूँ यार। तो गाइस मैं आ चुका हूँ फाइनली घूम के ऐसे शिव मंदिर पे, ये हमारे दोराला का है शिव मंदिर पे, रावण बनता है जब दशहरा का टाइम आता है, यहाँ पे पूरे में ना वो लगता है मेला, और ये मंदिर अभी बंद है यार, अदरवाइज दर्शन कराता है यार आप लोगों को। ये लिखा देखो श्री शिव मंदिर दोराला, इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है भाई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो मैंने हेलमेट कहाँ टांगा हुआ है, जब मैं आज से कई साल पहले आता था तो ये पानी की टंकी चलती थी यार, उसमें पानी पीने आता था मैं, और ये यहाँ का कुआ है, इसकी भी बहुत मान्यता है भाई। कर लेते हैं भाई कुएं को, कुएं से भी आशीर्वाद ले लेते हैं भाई। बड़ा ही प्यारा मंदिर है ये यार, मेरे को बड़ी अच्छी वाइब्स आती थी अंदर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मैं पहले जाता था, अभी तो बंद है ये, मतलब कि वैसे बंद नहीं है, अभी टाइमिंग नहीं है इसकी खोलने की थोड़ा। Fight for my sin jin, for your sin jin, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come through. मैं उठाता हूँ अभी फिलहाल अपना हेलमेट जो मैंने यहाँ पे लटका रखा है, ये फंस गया, हेलमेट मैंने उठा लिया है, अब मैं निकलता हूँ पीछे की तरफ से जहाँ से मैं आया था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि यार मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से जाऊँ कहाँ से नहीं जाऊँ, तो मैं ऐसे घुमा के आया था, तो फिर आप वीडियो लंबी हो जाती बिना मतलब में।
अब यहाँ से दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया था। इस जगह से आया था, रेलवे स्टेशन वाली साइड से ये प्रवेश करा। ये यहाँ से टिकट मिल जाता है, टिकट घर, यहाँ बैठ जाओ आके अपना। और ये है कुछ हमारा इस तरीके का स्टेशन। मैं वहाँ खड़ा था उस टाइम पे, मैं ऐसे आ गया था घूम के। तो गाइस कुछ इस तरीके का है हमारा दोराला का रेलवे स्टेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। और सिनेमैटिक शॉट भी देख लिए होंगे आपने, मंदिर का भी दिखा दिया कि मंदिर हमारे यहाँ का कैसा है, दोराला का प्रसिद्ध शिव मंदिर। दोराला का रेलवे स्टेशन भी आज मैंने आपको दिखा दिया। सेफ्टी गैजेट्स, हेलमेट भी मैं ले आया हूँ। अब चलते हैं घर पे और फिर निकलना है जिम। अभी मैं देख के चलता हूँ नीचे, कभी पता लग रहा है मैं बॉल की तरह लुढ़कता हुआ चल। गाइस ये है हमारे दोराला का श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज ना, यहाँ पे इधर जो यहाँ के मेरे यार दोस्त हैं वहाँ पे हम आके खेलते थे यार। बहुत ही अलग तरीके का मज़ा आता था गाइस यहाँ पे। बैट बॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। अब तो सब चीज़ छूट गई, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना उसके बाद सब चीज़ें छूट जाती हैं यार। तो सीधा जिम में, टाटा यश को करता हूँ फ़ोन कि आ जाओ भाई। ठीक है गाइस, बाय गाइस। जिम में मैं आ चुका हूँ और यश ने दे दी आज मेरे को फिर से बीटी, उसने कर दिया एंड टाइम पे मना। और जिम में आया हूँ मैं फर्स्ट, अभी सबसे पहले भैया अभी खोल ही रहे हैं। यश ने आज बीटी दे दी दोबारा से मुझे, यश ने दी है सबसे पहली बात मेरे को बीटी, उसने कर दिया मना कि मैं नहीं आ रहा। और भैया भी जस्ट अभी अभी आए थे, उन्होंने भी अभी खोला। और मैं आया हूँ सबसे पहले जिम में, सबसे पहले। तो कोई भी नहीं है, ना कोई म्यूजिक ना कुछ, आज होगा वर्कआउट बढ़िया। और आज है थाई तो आराम से तसल्ली से लगेगी। वर्कआउट हो चुका है मेरा कंप्लीट, अब निकलता हूँ मैं घर और करता हूँ एडिटिंग। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राखी भी उड़ती है, जिसे नहीं पता होगा राखी, वो गन्ने को जैसे जब बनाते हैं चीनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें सूखा सूखा जो छोटे छोटे